राइट, इस गाने में केमिस्ट्री आप लोग की बहुत अमेजिंग लग रही है, राइट है कि नहीं है? तो यार थोड़ा साथ दो ना यार, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, यू हैव टू लाइक, राइट? सो केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग लग रही है. सो आप लोग ने इसे ऑफ स्क्रीन से ऑन स्क्रीन, मतलब हाउ डिड यू ट्रांसफर दिस केमिस्ट्री? सो यार होता ही है, जब आपकी दोस्ती होती है किसी के साथ और देन यू गेट टू वर्क विद दैट पर्सन, तो मुझे लगता है केमिस्ट्री आती है, फिर काम में भी केमिस्ट्री आती है. आई थिंक देयर इज अ कंफर्ट जोन मी एंड निकिता हैव क्रैक्ड वेयर वी कैन वर्क टुगेदर वेरी वेरी कंफर्टेबली. हाँ, बट आई नो व्हाट यू मीन टू से. ऑलराइट निकिता, हाउ अबाउट यू? Well, I totally agree with him. I mean, I have this certain comfort level of working with Jubin. Also, he's very easy to work with. So yeah, I think probably that has easily been translated on screen. Wow, that's amazing. Well, this is, I believe, your first ever single with T-Series. Yes, yes. So it's how was it working with the whole team and of course Jubin? How was the whole experience? Absolutely lovely. I think when we talk about music videos, they are by far the best ones here in the industry. So it is an honor, a privilege to be here working with them. And their team is a delight to work with. I have had one of the best times shooting with everybody, even behind the camera. So can just say thank you for being so supportive and making sure I had a great time. क्या बात है. All right, moving on. Jubin, बहुत पहले, back in your days, आपने निकिता के एक अमेजिंग चीज के लिए आपने गाना गाया था और एक दूसरे के वास्ते. इट वॉज दिस थिंग विच यू नो. सो हाउ इज दैट एंड हाउ इज इट नाउ द वाइब विथ हर, बिकॉज यू सैंग इट फॉर हर देन, अभी कैसा है? सवाल कोई भी पूछो, यहीं से पकड़ के, यहाँ से पकड़ के वहीं आता है बार बार. तो देखिए, व्हेन आई सैंग फॉर हर फॉर द फर्स्ट टाइम, हम लोग उस वक्त हमारी मुलाकात हुई थी, हमें नहीं पता था कि वील डू सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग टुगेदर इवेंचुअली. And I didn't know that she's going to be my first on-screen wife, you know what I mean? So, I mean, this was just, I think it was written like this. We met then and eventually, hum log ki dosti jo hai, badi badi badi, fir humne gaana saath mein kara. Isliye chemistry achhi aa rahi hai. And, aap kuch aur puch le yaar. Must agree to that. Well, baatein bahut ho gayi. Abhi Jubin stage pe hai. I think it's time for him to sing a few lines of Mast Nazro Se. Yeah! Ladies and gentlemen, give it up for Jubin Nautiyal. Here we go. Barishon ka wo mahina bhul payenge kabhi na. Barishon ka wo mahina bhul payenge kabhi na. Yaar, ek second. Sir, thoda sa reverb kaat do, late aa rahi hai. Can I call the music team on with me, please? Sir, please. आप लोग साथ रहेंगे स्टेज पे तो मुझे हिम्मत ज्यादा आएगी गाना गाने के लिए. लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर देम. मनोज मुंतशिर जी एंड रोचक कोहली इन द हाउस, गिव इट अप. देखिए, इंस्ट्रूमेंट है नहीं हमारे पास. आइए मनोज सर, आप गाएंगे? जी जी. नहीं ना, भूषण जी बैठे हुए हैं वहाँ. इसके बाद मैं टी सीरीज के बाहर नजर आऊंगा. शुरू कर दें. बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना. बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना. जुल्फ से जब पानी झटका तूने झूम के, हाय ऐसी खूबसूरत भूल बैठे हम जराफत. लौट आई पागल आंखें तुझको चूमके. इश्क था या जहर चढ़ गया था, इश्क था या जहर चढ़ गया था. होश में आज तक आना पाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए. मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए. आशिकी कातिलों की गली है, आशिकी कातिलों की गली है. जीते जी कोई वापस ना आए,
मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए. थैंक यू. गिव इट अप लेडीज एंड जेंटलमैन. ऑलराइट, दिस सॉन्ग हैज बीन अरेंज्ड बाय आदित्य देव जी, वो वहां पर बैठे हैं. गिव इट अप फॉर हिम. इट्स अ लवली लवली सॉन्ग. थैंक यू सो मच. प्लीज 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 कम ऑन स्टेज. Alright, it's time for me to invite the main man here, the MD and the chairman of T-Series, Mr. Bhushan Kumar. May I please have you on stage? Taliya! Sir, what a beautiful song. And aap hamesha bahut different concepts pe work karte hain aur bahut achhe achhe gaane leke aate hain. Audience bahut pyar karti hai. You know, I just want to understand कि ये गाने का concept और ये ज़ेन में कैसे आया. See, ये हमारा third in a row इस mood का गाना है. First we did लुट गए, that was also with Zubin, and then we did दिल गलती कर बैठा है, that also was with him, and now this one मस्त नज़रों से. And I think Manoj ji was only means and Zubin, they both were common in this song. So ye jo melody hai, means it is our Indian melody, and this type of songs never fail, means and ye hum bachpan se is type ke melody sunte aa rahe hain. To hamara T series mein yahi rehta hai ki means jo cheez public sunna chahti hai, we try and make that. To meri kafi Manoj ji se back and forth hota hai lyrics ko leke, and eventually then we hum hard work karke ye cheez achieve kar pate hain. So means it's all teamwork, and it's not only my job or thing. Yes, the seed comes from us, kyunki we are sitting in the market and we come to know what people wants to listen more. So uske hisab se phir puri team saath mein hoti hai, and then back and forth karke cheeze banti hai. Uske liye aapko Manoj ji zyada batayenge ki main kitna inke saath hamara jhagda hota hai, matlab looking for the good work. और हमेशा जब झगड़ा होता है तो पहली बार जब फीडबैक आता है तो मुझे लगता है यार मैंने इतना अच्छा लिखा था, भूषण जी को पसंद ही नहीं आया. तो 15 मिनट में अपसेट रहता हूँ और फिर लिखना शुरू करता हूँ जो भूषण जी ने पॉइंटर्स बताए होते हैं. बाय द टाइम वी रीच थर्ड और फोर्थ ड्राफ्ट, और ये भी बता दूँ मैं कि मैं भूषण कुमार के अलावा किसी के लिए दूसरा ड्राफ्ट नहीं लिखता. तो तीसरा चौथा ड्राफ्ट आते आते मुझे भी लगता है कि जो भूषण जी ने पहला रिजेक्ट किया था वो रिजेक्ट होने लायक था, चौथा वाला सही है, यही बनना चाहिए था. एक चीज़ भूषण जी ने बताई नहीं, मैं ज़रूर बताऊंगा कि एज ए कंपनी टी सीरीज हमेशा जो देश के हालात हैं उन पे हम एक बहुत कीन नज़र रखते हैं. मुझे याद है इस गाने को बनाने के पहले मेरी जब मुलाकात हुई थी, रोचक भी थे, मैं भूषण जी रोचक, भूषण जी ने एक बात कही थी कि बहुत दुख दर्द से गुजरा है देश अभी पैंडमिक के दौरान, हम अगर थोड़ी स्माइल्स दे पाएँ, थोड़ी मुस्कराहटें दे पाएँ, थोड़ी खुशियाँ दे पाएँ म्यूज़िक के माध्यम से, तो ये मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए. तो मुझे लगता है कि बाकी सब कुछ, ये पहली मोहब्बत का गाना है, पहली नज़र के प्यार का गाना है, मोहब्बत के सेलिब्रेशन का गाना है, लेकिन ये टी सीरीज़ का एक गिफ्ट भी है इस देश को कि देखो हंसने के, मुस्कराने के, खुश रहने के मौसम वापस आ गए हैं, खुश रहो सब लोग. गिव इट अप लेडीज एंड जेंटलमैन. क्या बात है सर. एक और आखिरी सवाल है आपसे, ये जानना चाहता हूँ, ये जो ट्रायो खड़े हैं ना यहाँ पे, जुबीन, मनोज एंड रोचक, इनको आप हमेशा यू नो यू यूज़ देम इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे. सो यू नो आप इनको क्यों मतलब हमेशा चूज़ करते हैं? नहीं, ये फैमिली है. एक फैमिली है, मैंने आपको जैसे बताया, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं, एंड हम तो फैमिली मानते हैं. आई थिंक रोचक भी मानता होगा टी सीरीज को. सो वी ऑलवेज से इट्स अ टी सीरीज फैमिली. एंड अभी भी जब ये गाना रिलीज़ हुआ है, एंड ही इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन 3, 4, 5 आई डोंट नो मैनी मैनी सॉन्ग्स विच वी आर डूइंग. सो इट्स ऑलवेज मीन्स ये हमारा कंफर्ट लेवल है, दे अंडरस्टैंड मी. नहीं तो नॉर्मली म्यूज़िक कंपोजर्स और लिरिसिस्ट अपनी बात पे अटक जाते हैं कि नहीं हमें यही करना है, लेकिन आई नो मीन्स दे ये कभी नहीं अटकते, बिकॉज दे अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. मैं कुछ अपनी ईगो के लिए नहीं बोलता, नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ तो वो सही है. मैं जेन्युइनली जो चीज़ पब्लिक को ठीक लगेगी उस हिसाब से एडवाइस देता हूँ, एंड दे टेक दैट एडवाइस. सो वो जैसे अभी ये अभी हम बात कर रहे थे, बीच में एक पार्ट था जो जहाँ पे शी इज़ डांसिंग, दैट वॉज नॉट देयर बिफोर वी वर मेकिंग अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग. फिर मैंने इनको बोला यार एक पार्ट वहाँ पे डालो जो वहाँ पे द फीमेल कैन, हाँ वहाँ पे सरगम डालो, वहाँ पे परफॉर्मेंस आ सके. या
Give it up, ladies and gentlemen. All right, शादी हमेशा यार ब्राइड और ग्रूम के अलावा ब्राइड के जो बेस्ट मैन होते हैं और ब्राइड्स मेड होती है वो लोग इस शादी को कंप्लीट करते हैं. मे आई प्लीज आस्क बोथ ऑफ यू टू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज. लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स हिमांश कोहली एंड अनुष्का सेन. गिव इट अप लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार ताली हो जाए. अब आपके लिए सवाल है यार, आप बेस्ट मैन ब्राइड्स मेड कमिंग टुगेदर, आप एक्सपीरियंस कैसा है? सो द एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग. ये जो गाना है ये इतना ब्यूटिफुल गाना है कि जब हम शूट कर रहे थे ये लग ही नहीं रहा था शूट है, क्योंकि जो होली सीक्वेंस था एंड जो डांस परफॉर्मेंस था सारे पार्ट्स इतने ब्यूटिफुली हमने शूट किए कि इट एक्चुअली फेल्ट लाइक वी वर अटेंडिंग अ वेडिंग जेन्युइनली. एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जुबिन सर एंड ऑल्सो आई हैव टू से दैट इट्स माई सेकेंड टाइम आई एम डूइंग अ सॉन्ग विद टी सीरीज एंड इट्स लवली टू मीट यू सर. आई हैव टू से दैट just being a part of a song which is so beautiful, I'm just very happy that jaise unhone kaha ki ye gana is just for people to smile and spread smiles, so I'm very happy that I'm a part of it and we had a great time together shooting and it was just amazing. Ashish sir is a very very good director sir. He has given inputs which has made the song look so great, so it's the teamwork. Hats off to the team of T series, the entire team, the dancers, the choreographers, everybody. ऑलमोस्ट सभी कवर हो गया, लेकिन आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड, जब ये गाना शुरू हुआ तो इट स्टार्टेड विद अ प्रैंक. राज चाना हिट कॉल्ड मी, उन्होंने मुझसे बोला कि जुबिन की शादी हो रही है. सो मैं भी ऐसी शॉक्ड हो गया एंड देन ही टोल्ड मी कि भाई हम तो घर वाले लड़के वाले तो हमें तो पूरी तरह से इसमें रंग डालना है. सो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, और धीरे धीरे वो माहौल और क्रिएट होते गया. शिवम सोनल सब उसमें मिलते गए एंड देन फाइनली आई वाज टोल्ड दैट दिस इज गोइंग टू बी अ सॉन्ग. इसके बीच में मैंने उन्हें कॉल भी कर दिया था ये पूछने के लिए कि हो रही है नहीं हो रही है, कपड़े सिलवाने हैं नहीं सिलवाने हैं, जल्दी बताओ. अभी भी क्वेश्चन है हो रही है नहीं हो रही है सर. मैं इसीलिए प्रमोशन स्टंट है, इसीलिए मैं पूरे स्टेज पे सबके सामने नहीं अभी भी छुपा रहा था, ये दोनों छुपा रहे थे इस बात को. तो बाबा बता दो असली में कपड़े सिलवाने नहीं, मतलब मेरा अगला सवाल यही है कि यार आपने रील में तो बता दिया कि आप उसके बेस्ट मैन हैं, तो अभी रियल लाइफ में कभी बन रहे हो बेस्ट मैन? मुझे लगता है रियल लाइफ में मुझे बेस्ट मैन बनना पड़ेगा, क्योंकि अगली शादी गलत जगह तीर डाल रहे हो बाबा. अभी कहानी शुरू हुई है. सो अगेन कमिंग विद द एक्सपीरियंस, इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, वंडरफुल टीम, स्टार्ट्स विद माई डायरेक्टर आशीष भाई. हम लोग सेट पे आशीष एंड मी हैव बीन कनेक्टेड सिंस यारिया, और मैं इस चीज़ में डेफिनेटली मानता हूँ कि मेरा बेस्ट काम आशीष भाई निकलवाते हैं मुझसे, वेदर इट वॉज यारिया और वेदर इट वॉज द कमिंग सॉन्ग्स. हमने बीच में वफा ना रासाई किया, बेवफा भी किया, द एंटायर एल्बम्स सॉन्ग्स वर रियली गुड. एंड मोर देन दैट आई वुड लाइक टू थैंक सर, क्योंकि सर इतने अमेजिंग सॉन्ग्स. लास्ट ईयर वॉज अ कम्प्लीट रोलर कोस्टर, सो मच टू get it from the audience, so much love I was getting, so thank you for making me a part of all these songs sir. And Ashish bhai thank you, ye heroism aur ye jitna hai ye sara aapki wajah se aata hai yahan pe, jis tarah se aap use dikhate ho, aur usse bhi badi cheez hamare jo projects create hote hain to wo jo base start hota hai it starts from here, so thank you Bhushan sir again. All right, may I please request Mr. Ashish Panda to please come on stage. Woo-hoo. Give it up ladies and gentlemen. Woo-hoo. He's the director of this lovely song. सर मेरा सवाल आपसे यही है कि इतना ब्यूटीफुल, इतना ग्रैंड, और जो शॉट्स आपने लिए है एक बहुत सारी चीज़ें, एंड मेरे को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछनी है, वो जो गाल से गाल गुलाल लगाने वाला वो जो सीन है वो आप मतलब कैसे मतलब कहाँ से जहन में आया ये? कैसे सोचा बताइए. थैंक यू सुनील सर, ये आपने इतनी अच्छे से इसको कलरफुली दिखाया है एक्चुअली, एंड थैंक यू डेबो. बाकी ये जो रोमांस है एक्चुअली एक्टर्स भी काफ़ी कुछ ऐड कर लेते हैं, हम तो थोड़े से सोचते हैं कि कम लगाना और धीरे से ही कुछ करना और बहुत कुछ कर जाते हैं. बाकी बट सर का विजन बहुत अच्छा है, वो जब आते हैं ना वो हमें बताते हैं ना तो इतना पैशनेटली बताते हैं कि हमें ईजी हो जाता है करने के लिए. सही में थैंक यू. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू जुबिन, रोचक एंड मनोज. यार आप बैक टू बैक हिट्स दे रहे हैं, यू नो
एक एक चीज़ होती है कि यार हमने गाना बना दिया एंड देन इट वेंट टू अ सर्टेन पॉइंट बट इट्स बैक टू बैक. हाउ डू यू कीप चर्निंग सच अमेजिंग सॉन्ग्स? रोचक, स्टार्टिंग विथ यू. आई थिंक एक तो वो मैजिकल ट्रायो वाली बात नहीं है, इट्स द मैजिकल पंच. क्योंकि यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल भूषण सर इज विद अस, सो ही इज ऑलवेज गाइडिंग, जैसे इन्होंने बोला. सो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट यू नो वी रिसीविंग हिज इनपुट्स, इट्स ऑल्सो ही लिसनिंग टू अस यू नो ऑल द टाइम. सो आई कैन यू नो कॉल हिम एट 12 in the night and he'll pick up my phone. So, you know, and that's, I think, Jubin, with you also, Manoj, you, with you also, right? Totally. So, thank you, sir, for being such, you know, amazing person. And, of course, Aditya, because Aditya is the guy who, you know, produces our music. So, wo jo sara amazing beats hai aur sara amazing music hai, wo Aditya ka hai. So, it's the magical punch. So, इन्होंने ये जो बात बोली ना कि भूषण सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं गानों पे फीडबैक देने के लिए, ये बात लोगों को फिगरेटिव लग रही होगी, मुहावरा लग रहा होगा, ये सच है. 12:30 बजे रात में जगा के मैंने एक लाइन पूछी थी, सर ये कैसी लग रही है. एंड मैंने बाद में वॉश, ये तो एकदम इसमें ये ठीक है, वो ठीक नहीं है, इसको हटा दो, वो बदल दो, एकदम जैसे कि दिन के 12 बज रहे हूँ. एंड व्हेन आई डिसकनेक्टेड आई रियलाइज्ड आई हैड कॉल्ड हिम एट 12:30 इन द नाइट एंड ही रिस्पॉन्डेड टू दैट कॉल. और ऐसे बात की जैसे कि ये हम साथ बैठ के कोई गाना बना रहे हूँ. तो दैट इज द पावर, द करिश्मा एंड दैट इज द मैजिक ऑफ बीइंग भूषण कुमार. एक बार तालियां इस चीज के लिए. क्या बात. और जब आप मुझसे पूछते हैं कि भाई आपके सारे गाने हिट हो रहे हैं, तो मैं ईमानदारी से बता दूं, टी सीरीज के बाहर वाले मेरे हिट नहीं हो रहे हैं. दैट्स इट, ऑल अबाउट इट. जुबिन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस? यार, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हम लोग को एक पहला गाना निकालने का मौका मिला था सर, मेरी आशिकी. उस वो पहला गाना था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था. अभी लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है और हम आ गए. उसमें भी शुरुआत आई थी, बारिशें आ गई चली गई, और इसमें भी है बारिशों का ये महीना. सेम डायरेक्टर, सेम कंपोजर, सेम राइटर एंड मेरा नहीं था, मुझे फायर कर दिया गया अंडर ऑल. अच्छा, रश्मि विराग था ये आपके लकी चार्म डायरेक्टर हैं, am I, if I'm not... Yes, तो जितने भी गाने मैंने और आशीष भाई ने साथ में करें, वो इवेंचुअली दे हैव यू नो मतलब हम लोग की एक्सपेक्टेशन से भी काफी, मतलब जैसे बोलते हैं ना, दो दो तीन तीन साल, चार चार साल गाने चल रहे हैं, उस तरह का उसका है. तो इट्स जस्ट स्पेशल. आई थिंक गॉड हैज गिवन अस दिस चांस टू वर्क टुगेदर एंड मेक दिस beautiful music together, Adi bhai, and all under sir. He really puts in a lot of himself in the song every time, and wo passion, jab aapki team ke captain mein utna passion hota hai to fir team ko lagta hai ki abhi aur mehnat karni hai, we have to pull out better songs. So I think that's where we are at. So yeah, thank you. All right, give it up ladies and gentlemen for the whole team here.